हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक नए एपिसोड पे स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, ये है बांग्ला कीबोर्ड। ओके, तो मैं जब यहाँ पर ऐसे प्रेस करूँगा और इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा तो इंग्लिश कीबोर्ड हो जाएगा, और फिर जब ऐसे प्रेस करूँगा उसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी को मैंने कर लिया तो हिंदी कीबोर्ड हो गया। ओके, तो ऐसे करके आप अगर आसामीस कीबोर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो आप आसामीस कीबोर्ड को भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसामीस कीबोर्ड को यहाँ पर लाना सीखूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी हमें आसामीस में भी टाइप करना पड़ता है। जो लोग आसाम से है उन लोगों को कभी कभी आसामीस से भी टाइप करके कुछ लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आसामीस कीबोर्ड चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्लिक करना होगा सेटिंग पर। ओके, जब आप लोग सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने लैंग्वेज का ये ऑप्शन देखने मिल जाएगा। आप लोगों को लैंग्वेज पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है आसामीस। ओके, अगर आप लोग ऐसे सर्च करके ना ढूंढना चाहे तो आप लोगों को ऐसे नीचे की तरफ आना होगा, देन आप लोगों को मिल जाएगा आसामीस इंडिया। ओके, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आके ऐसे सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, तो ऐसे आप लोगों को आसामीस को सिलेक्ट कर लेना होगा। जब आप लोग ऐसे आसामीस को सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका फ़ोन पर आसामीस कीबोर्ड भी ओपन हो जाएगा। देखो, यहाँ पर क्लिक करने से देखिए यहाँ पर ओखोमिया भारत लिखा हुआ आ गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करके आसामीस में टाइप कर सकते हैं, देखिए कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।